वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तीन शब्द मैं बहुत ज़्यादा बोलदा, खच भेड़ा ते कतीड़। ये क्यों बोले जाते हैं? रात मैच होया वनडे इंडिया ते ऑस्ट्रेलिया दा, वर्ल्ड कप दा फाइनल सी। वो मैच इंडिया हार गया 240 रन इंडिया टीम ने बैटिंग करके बनाए सी। बड़े सौखे तरीके दे नाल ऑस्ट्रेलिया ने वो स्कोर चेंज कर दिता, जाने के बना दिता। तो जदों मीडिया की गलबात करदे आं, हरेक ने पोस्ट पाती, दसो इंडिया क्यों हारिया। हालांकि इंडिया की टीम हारी है, इंडिया नहीं हारिया। बड़े बड़े जर्नलिस्ट, दसो जी इंडिया क्यों हार गया, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया नू किवें हराता। इंडिया नू हराया, इंडिया की टीम हारी है। वो एक गेम है छोटी जी, गेम दे विच सुभाविक है एक ने जितना है एक ने हारना है। पर मैं दो तीन गल्लां इत्थे कर रही ने, जदों खच शब्द जां कतीड़ जां भेड़ां वरत्या जांदा उदों सब तो वड्डा, जे तुसीं इंडिया दी टीम नू हराउण दा कारण पुछदे हो, सब तो वड्डा जिहड़ा इत्थे योगदान है हराउण वास्ते वह मीडिया दा है। किसी भी प्लेयर दा तुसीं फोकस जिहड़ा सी वह टीम वर्क ते उहदी गेम ते रहण नहीं दिता। हुण शामी जिहड़ा बॉलर सी फास्ट इंडिया दा, ते उहने अपने घरवाली नूं डोस दिता होया सी, ते मीडिया टिकटॉकां बना बना के, देखो शामी दे घरवाली ने तलाक ते देता, हुण पछताऊगी। वो तां हीरो बन गया, उन्हें इन्नियां विकटां लै लईआं, उन्हें इन्ने मैच जिताते, उहदा दिमाग खराब हो गया। जिन्ना कुछ उन्हें किया दिमाग च बह गया, तो कल उन्हें एक विकट मिली है वह भी बिलक के उसके दिमाग च बह गया। दूजे पासे सुमन गिल दे घर मीडिया जाता है, थोड़ा पोता खेड रहा जी अज की बनूगा, उसकी दादी नूं पाठ करदिआं दिखाता। हुण पाठ करन दा मैच दे नाल की संबंध है? कई कड़म चौधरी जाके दरबार साहब अरदास ही करी गए कि इंडिया की टीम जित जाए, करी गए ना। तो जो दादे जाके पुछया कि सुमन गिल आउट हो गया, वह दादा बेचारा बजुर्ग हैगा, कहिंदा मैं उन्हूं कहा सी कि तू आ शॉट ना मारिया कर, तू इत्थे आउट हो जाना। हुण देखो तुसीं, मैं जिहड़ी इत्थे गल कहणी, थोड़ा जिहा ध्यान दिओ। गेम दे नाल प्यार स्नेह मुहब्बत रख्या करो। गेम जिहदी वधिया हुंदी है वह टीम जित जाती है। एक ने हारना हुंदा, एक ने जितना हुंदा। अज मैं एक पोस्ट भी पाई सी, कहिंदे रब ने अरदास नहीं सुनी, इंडिया की टीम तां हार गई। हालांकि इंडिया हार गया, इंडिया की टीम नहीं, इंडिया हार गया, यह गल कही। हुण इंडिया हारे, इंडिया की टीम हारी है, कहिंदे रब ने अरदास नहीं सुनी, इंडिया तां हार गया। ऑस्ट्रेलिया वाले कहिंदे असीं अरदास कीती नहीं, असीं फिर भी जित गए। ते जदों रब दे कोलों पुछया गया, रब कहण लगा मेरा तां योगदान ही कोई नहीं। इन्हां ने तां इक पासे कहिंदे जट खेडदे ने, दूजे पासे ब्राह्मण पंडित खेडदे। हुण दा कारण की है? सुमन गिल जट्टां दा मुंडा है, रोहित शर्मा पंडितां दा मुंडा है। लड़ाई तां कहिंदे जट्टां ते ब्राह्मणां दी सी, मेरा तां रौला ही कोई नहीं सी, रब जी कहिंदे। जदों मैथों कोई पुछूगा, मैं कहना ना रब ने हराया, ना जट्टां ने, ना पंडितां ने हराया। सब तो पहला तो मीडिया हराउंदा जिहड़ा फोकस दूजे पासे लैके जांदा प्लेयरां दा। तीजी गल, हराउण वाला कौन है? सट्टा जिहड़ा करोड़ां रुपये का लग्या होया सी। हुण एक प्लेयर नूं, एक खिडारी नूं किन्ने क पैसे मिलने सी जी मैच जित जांदे कल वाला फाइनल?
ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੇ ਸੱਟੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਕ ਨੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਗੇਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੜੰਮ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੋਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਹ ਗੇਮ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਬਸ ਆਹ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।